नमस्कार, मैं हूँ राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, गुड न्यूज़ आ रही है कैनरा बैंक की तरफ से। तो बट ऑब्वियस गुड न्यूज़ अगर कैनरा बैंक की तरफ से है तो वो सिंडिकेट बैंक को भी अप्लीकेबल रहेगी, क्योंकि आपको पता है अगर आपका सिंडिकेट बैंक में लोन अकाउंट है तो आपको पता है कि सिंडिकेट बैंक का मर्जर हो चुका है कैनरा बैंक से। अब सिंडिकेट बैंक भी कैनरा बैंक बन चुकी है और ये अपने देश की फोर्थ लार्जेस्ट बैंक है कैनरा बैंक आज के तारीख में मर्जर के बाद। इनके 10,300 ब्रांचेस है। आइए देखते हैं क्या गुड न्यूज़ है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कैनरा बैंक ने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट में कैनरा बैंक ने बोला है कि हम किसी से भी ओटीपी नहीं मांग रहे। अगर आपको ईएमआई मोरेटोरियम की स्कीम अगर आपको लेनी है तो आपको कोई ओटीपी नहीं आएगा। अगर आपको कोई कॉल करके बोलता है, चोर होते हैं वो लोग जो आपको कॉल करके बोलते हैं कि आप ओटीपी शेयर करो, तो कैनरा बैंक ने क्लियर किया है कि ओटीपी हम नहीं मांग रहे हैं। तो आप किसी को भी फ़ोन पे ओटीपी मत दो और अपना अकाउंट का बैलेंस चोरी होने से बचाओ। आइए बात करते हैं कैनरा बैंक ने आज क्या अनाउंसमेंट किया है। सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है ये। तो बैंक ने MCLR कम कर दिया है। MCLR मतलब जो बैंक साल में एक ही बार रिवाइज करती है, जैसे ही आप लोन लेते हो तो बैंक आपके अकाउंट में MCLR डाल देती है, उसके नीचे बैंक आपको चार्ज नहीं कर सकती, उसको हम बोलते हैं MCLR। ये यूजुअली आपके लोन के टेन्योर पे डिफाइन होता है। तो बैंक ने 35 बेसिस पॉइंट, अगर आपका एक साल से कम अगर लोन का टेन्योर बाकी है तो आपको 35 बेसिस पॉइंट से आपके लोन का MCLR कम किया है। 6 मंथ्स का अगर आपका टेन्योर बाकी है तो आपका 0.30%। अगर आपका 3 महीने का बाकी है तो आपके 20 बेसिस पॉइंट, मतलब 0.20%। और अगर 1 मंथ या फिर ओवरनाइट रिपेमेंट है तो 0.15% आपका उन्होंने MCLR कम कर दिया है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट भी कम किया है। जैसे हमने आपको पुराने वीडियो में बताया था कि RBI जो रेपो रेट ने अगर कम किया तो बैंक भी अपना लोन का इंटरेस्ट रेट कम कर देती है। तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि बैंक ने पूरा का पूरा 75 बेसिस पॉइंट जो बेनिफिट RBI से मिला था वो अपने कस्टमर्स को ट्रांसफ़र किया, मतलब 8.05% का लोन अब मिलेगा 7.3% से मिलेगा, और आज से मतलब मंगलवार से। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि मान लो कि अंदाजन हम लेते हैं कि 10 लाख का आपका लोन है 20 साल का, तो आपको अगर EMI आ रही थी 8,300, तो अब आपको EMI आएगी 7,900 के लगभग आपको EMI आएगी। तो ये आपको फ़ायदा होगा, पर मंथ आपका लोन का EMI जो है आपका बचेगा। तो ये है खुशखबर कैनरा बैंक की तरफ से, देश की फोर्थ लार्जेस्ट बैंक। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए, सुनते रहिए टैक्स जंक्शन। और हाँ, घर से बाहर नहीं निकलिएगा प्लीज़। हैव अ नाइस डे।